एकदम उस पर स्पष्ट आपको बताया जा रहा है कि आप सरासर गलत हैं, आप जी मतलब तो आपका जो है नेचर सही नहीं है, आपके पिताजी जिंदा ही हैं, आप लोग गलत बोल रही हैं। वहाँ अच्छा। आपके जो है वहाँ पे जो सासू माँ है जो बोला जाता है, वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इससे पहले किसी लड़के के साथ उसका एफ आई आर था, वहाँ भी उसके ऊपर केस की थी, हमने देखा है किसी मीडिया, इसलिए हमने सोचा कि आपसे सवाल, एक सवाल और मात्र एक सवाल, आपके पिताजी जिंदा आलम जी कह रहे हैं गुलाब बाग में टेम्पू चला। सवाल है नगमा जी आपसे, कुछ न्यूज़ चैनलों पर हमने देखा है कि आपके पीछे की जिंदगी को उस पर चलाया जा रहा है, कुछ आपके प्रति गलत बात उस पर बोला जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बहुत दर्शक जानना चाहिए। को आप जानते हैं कौन न्यूज चैनल वाले, इमरान जी ही चला रहे हैं इस तरह के खबर को, लगातार चला रहे हैं, आपके ससुराल भी गए थे आज, कल जो है परवेज आलम जी के यहाँ भी गए थे, वही चला रहे हैं, हम उसी के चैनल पे देखा हमने, इसलिए आपसे सवाल। तो आप जो रिलैक्स हो जाइए, जो आलम जी स्पष्ट रूप से कहे कि मेरे ही दरवाजे पर पंचायत हुआ था, परवेज आलम लड़की खुद वहाँ नहीं जाना चाह रही थी, वो लोग तो ले जाना चाह रहे थे। सवाल और है, छोटा सा सवाल है, आपके पंचायत के मुखिया अभी फिलहाल मुखिया प्रतिनिधि हैं परवेज आलम जी, चांदनी खातून के पति हैं, वो खुद भी इस बात का जो मीडिया वाले उनके यहाँ गए थे उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ना इस तरह का मामला था पहले से हुआ था, हम पंचायती भी। एक बात बताइए नगमा जी, कहीं ना कहीं आपके पास तो एक नया गाड़ी भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे, कुछ स्थिति परिस्थिति बदल रहा है कि नहीं? हाँ, मधेपुरा जिला में राजन टीम के मेंबर वनिता भारती मैडम जी, जो मीडिया के थ्रू आप लोग देखे ही होंगे, सबको पता ही है कहा क्या जाएगा, क्योंकि सब कुछ मीडिया में ही है, तो वो लोग और उनके पूरे टीम मिल करके हमको दिए, अतुल शोरूम वाले भी सब मिल करके सहयोग करके मुझे एक गाड़ी दिए, मेरी हालात स्थिति परिस्थिति देख करके, क्योंकि वो लोग नज़दीक में मधेपुरा में ही रहते, सब जानते हैं, कोई बाहर में नहीं रहते, मेरा हालत मेरा दर्द तकलीफ वो लोग बहुत पता चला, बहुत करीब से देख रहे, मीडिया के थ्रू देखे, घर पे भी आके देखे, घर पे आके देखे, पता किए, हर चीज़ से उनको लगा कि नहीं ये हमारी बिहार की बेटी है तो इनको अभी कमाने का कुछ ना कुछ साधन चाहिए, तो वो देखे दूसरे का रिक्शा में बहुत दिक्कत तकलीफ होता है, तो मुझे रिक्शा दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का दूध का इंतजाम कर सकूँ और परिवार चला सकूँ। अच्छा, एक सवाल है नगमा जी आपसे, कुछ न्यूज़ चैनलों पे हमने देखा है कि आपके पीछे की जिंदगी को उस पर चलाया जा रहा है, कुछ आपके प्रति गलत बात उस पर बोला जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बहुत दर्शक जानना चाहते हैं उस पर। देखिए हम क्या हैं, दर्शक देख ही रहे हैं और कोई अंधा नहीं है, और आप लोग भी घर पे आके देख ही रहे, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सब स्वतंत्र है, हर इंसान का अपना अपना सोच है, जिनको जो समझना है समझ ले, क्योंकि जब मेरा पति ही मेरा नहीं रहा, हमको गलत कह दिया, तो दुनिया में किसी से हमको क्या फर्क पड़ता है। एकदम उस पर स्पष्ट आपको बताया जा रहा है कि आप सरासर गलत हैं, आप मतलब तो आपका जो है नेचर सही नहीं है, आपके पिताजी जिंदा ही हैं, आप लोग गलत बोल रही हैं। अच्छा, वहाँ है, बहुत सारा मेरे बात, पिताजी जिंदा है तो प्रूफ कीजिए, ला के दीजिए पिताजी को, और अगर सच्चाई है सब तो हमको चप्पल जूता खोलिए, 100 चप्पल मारिए, हम तुरंत गर्दन काट के दे देंगे। अच्छा, वो गलत बात बोल रहे हैं वो लोग जो भी मीडिया में बयान दे रहे हैं। आप अपनी पत्नी को अभी छोड़ना चाहते हैं, दूसरा शादी करना चाहते हैं दहेज के लालच में, तो आप क्या बोलिएगा? वो तो उसके ऊपर कोई लांछन हम लगा सकते हैं, तो जब आप दूसरा शादी कर लिए, आप मुजरी में सरेआम नजर आ रहे हैं, आप गलत है, पूरा दुनिया देख रहा है, समाज देख रहा है, तो आप हमको क्या कह रहे हैं, आपको कहने से क्या हो जाता है? वो तो ही डर से बोल रहा है कि मीडिया में बात गया हमको कहीं फांसी नहीं हो जाए, कहीं हमको सजा न उम्र कैद का हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका सजा मौत भी कम है, मौत से भी बदतर सजा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, मेरे मासूम दूध पिया बच्चा को वो जान मारने का कोशिश किया, वो एक जानवर है, हमको उससे डर लगता है, वो एक विलन है। जब हम रहने के लिए गए उसके घर पे, वो घर कम हमको हॉस्पिटल ज़्यादा नसीब किया है, ये देखिए मेरे हाथ का क्या हाल, आपको हम सारा पर्ची डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा देंगे, इतना सारा है। वो आपके जो है वहाँ पे जो सासू माँ है जो बोला जाता है, वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इससे पहले किसी लड़के के साथ उसका एफ आई आर था, वहाँ भी उसके ऊपर केस की थी, हमने देखा है किसी मीडिया, इसलिए हमने सोचा कि आपसे सवाल में कर लूँ। हम अपने लाइफ में दो आदमी पर केस किए, एक मेरे टीचर थे जिसके पास हम कंप्यूटर पढ़ने जाते थे, और वो बदतमीजी किया मेरे साथ, तो हम केस किया। आपके साथ कोई गलत करेगा आप केस कीजिएगा ना? अगर हम किसी लड़की को गलत नज़र से देखते हैं या गलत कमेंट पास करते या मजाक करते या कहीं पे टच कर देते हैं, तो उस पर 376 का इधारा लगता है, पता है आपको? तो आप मेरे टीचर है, गुरु है, कहता है गुरु एक रक्षक होते हैं, और जब आप भक्षक बनिएगा तो आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। हम अगर गलत होते, जो इंसान गलत होता है, गलत हो जाता है, वो घर में झाँप तोप के बात रख लेता है, लेकिन जो सही होता है ना वो कानून में जाता है। हम एक कुमारी लड़की थे, लेकिन कोई मेरे साथ बदतमीजी किया तो हम कानून में गए। अच्छा, एक सवाल और है, छोटा सा सवाल है, आपके पंचायत के मुखिया अभी फिलहाल मुखिया प्रतिनिधि हैं परवेज आलम जी, चांदनी खातून के पति हैं, वो खुद भी इस बात का जो है मीडिया वाला उनके यहाँ गए थे उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ना इस तरह का मामला था पहले से हुआ था, हम पंचायती भी किए थे। देखिए परवेज आलम जी मुखिया से चुनाव, परवेज आलम जी मेरा कोई मदद नहीं किए, मेरा पति का दूसरा शादी भी कराने में उन्हीं लोग का हाथ है, सपोर्ट किए और बोले कि लड़की को बहुत घमंड है भीख मांगे जा करके, तो सब चाहता था हम भीख मांगे। मेरे समाज में इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, इस तरह से टॉर्चर किया गया,
ताकि मैं कॉल गर्ल बन जाऊँ। मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ सलूक किया गया, मेंटली और फिजिकली मुझे इस टाइप से टॉर्चर किया गया। मैं मान के चलिए बहुत मुश्किल से खुद को संभाली हूँ। सचिन कुमार डॉक्टर से भी मेरा दिमाग का इलाज हुआ है। डिप्रेशन में मैं रहने लगी थी, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर डिप्रेशनर का दवाई लिख के दिए। यही सब बात सुन सुन करके, अगर मैं क्या हूँ नहीं हूँ वो पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है मैं क्या हूँ, और आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी मीडिया है, आप लोग को भी पता है कि जो वैसा होता है वो कैसा होता है। मैं अपने मुँह से क्या सफाई दूँ, हर इंसान स्वतंत्र है, जो समझे समझ सकता है। परवेज आलम जी स्पष्ट रूप से कहे कि मेरे ही दरवाजे पर पंचायत हुआ था। परवेज आलम लड़की खुद वहाँ नहीं जाना चाह रही थी, वो लोग तो ले जाना चाह रहे थे। परवेज आलम जी के दरवाजे पर जो पंचायती हुआ, वो पंचायती में परवेज आलम जी अपने दरवाजे पर बुला करके मेरे पति से हमको मार खिलाए, उसका CCTV कैमरा खोल के देखा जाए। परवेज आलम जी के दरवाजे पर मेरी बेटी का सर फोड़ दिया गया, हमें जान से मारने का कोशिश किया गया परवेज आलम जी के दरवाजा पर, और परवेज आलम जी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ देखिए पूरा इस तरह सोसी मेरा चीर के जान मारने का कोशिश किया। अब हमको डर लगता है उससे। अच्छा एक सवाल और, मात्र एक सवाल, आपके पिताजी जिंदा हैं? मेरे पिताजी मर चुके हैं, और इसका कारण परवेज आलम जी है, मेरी सास है और मेरे हस्बैंड है। वो परवेज आलम जी कह रहे हैं गुलाब बाग में टेम्पू चला रहे हैं वो। हाँ तो परवेज आलम जी को कहिए कि चला रहे हैं तो आप उसको ला करके दीजिए, 5 लाख 10 लाख हम आपको देते हैं, 10 करोड़ सारा खर्चा मेरा रहेगा, सब कुछ हम देंगे। और अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, 2 लाख का गाड़ी हमको मिला है, अमीर के नाम पे लिख देंगे। कहिए गुलाब बाग में टेम्पो, मेरा मुखिया ऐसा बोल रहे हैं। आप सोचिए जो पंचायत में हम रह रहे हैं उस पंचायत का मुखिया ये बात बोल रहे हैं कि ये लड़की इतनी बड़ी झूठी है, फ्रॉड है, गलत है, उसके पापा जिंदा है। अरे भाई जिंदा है तो लाइए ना आप उनको, कहाँ है वो? वो जिंदा होते तो किस बात का रोना था, मेरा जवान भाई पागल क्यों होता? हम लोग, मेरी मम्मी डिप्रेशन में क्यों जा रही होती? मेरा पूरा परिवार बिखरा क्यों होता? मेरा घर पर छत क्यों नहीं होता? मेरे घर का ये हालत क्यों होता? जो दिख रहा है वो सच्चाई है, जो सुनाई देता है वो सच्चाई, आप हमको बता दीजिए। जो सामने में दिख रहा है वो बिल्कुल सच्चा, तो आपको क्या दिख रहा है? पूरे दुनिया को क्या दिख रहा है? बिल्कुल दुनिया को एकदम दिख रहा है कि आप लाचार हैं, आप विवश हैं, आप परेशान हैं। तो आप जो रिलैक्स हो जाइए, जो आप लोग को दिख रहा है आप लोग उस पर यकीन कीजिएगा, या जो सुनाई दे रहा है वो आप लोग का फैसला है, दुनिया का फैसला है, हम कुछ कहना नहीं चाहते, नो कमेंट्स। मेरा टीचर मेरे संग बदतमीजी किया, देखा गरीब परिवार की लड़की है पढ़ने आती, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, हम केस किए उसके ऊपर, वो भी दिल्ली फिरार हो गया। मेरा मुखिया उसको भी सपोर्ट किया कि लड़की को बहुत घमंड है, मुखिया को हम रिलेशन में साली लगते हैं, परवेज आलम जी जो मुखिया है उसको हम साली लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमको गलत नज़र से वो लोग भी देखते थे, यही कारण है उस लोग के चंगुल में नहीं गए। परवेज आलम जी 12 साल की उम्र में चाहते थे कि हम शादी कर ले उन्हीं का रिलेशन का लड़का से। इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जो मेरे लिए शादी के लिए हाथ मांगने नहीं आया होगा। जब हम चौथा का विद्यार्थी थे, 4 क्लास में पढ़ते थे ये स्कूल में सामने में, तभी ये झिटकिया का एक एक घर हमसे शादी करने के लिए एक घर का लड़का आया था। लेकिन मेरा एक ही बात कहना था, हम पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब करेंगे अपने पाँव पर खड़े होंगे, और कोई जॉब वाला गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का से शादी करेंगे। लेकिन ये लोग हमको इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, जब हम 12 साल की थे, नाबालिग लड़की थे, हम दूसरे का मदद करने गए जीतापुर, आप चलिए मेरे साथ प्लॉट पे, वहाँ का एक एक आदमी आपको बताएगा, वहाँ का मुखिया बताएगा, वार्ड सदस्य बताएगा। हम अपने घर से, मेरे पापा तब जिंदा थे, कमाते थे 2000 4000 5000 लेके जाते थे, एक बोरा चावल गेहूँ हर चीज़ हम उसका मदद करते थे। मुसरनी मुझसे मात थी, मुसर थी, यहाँ पूजा उजा करने शिव चर्चा में आई थी तो हमको मिली। ऋषिदेव में आपको पता है कि वो लोग ऋषिदेव है कि ज़्यादा शिव चर्चा में जाता है, तो हमको मिली तो हम गए उसके यहाँ उसका मदद करने के लिए, और उसका मदद किए, और ये लोग को पता चला कि एक हिंदू के यहाँ परवेज आलम जी जो है जाति प्रथा मानते हैं, जातिवाद मानते हैं, उसके नज़र में हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ है। लगातार तो आपके यहाँ 15 साल से मुखिया वही हैं, लगातार वो पैसा के बल पर मुखिया है, वो तो मुखिया के आर में ठेकेदारी करते अपना बिजनेस चलाते हैं। हम भी मुखिया से चुनाव लड़े थे परवेज आलम जी से ही प्रताड़ित होकर के, उससे ही जलील होकर के, उसके ही सताने की वजह से। और वो हमको बोला कि मुखिया जो है ना बहुत बड़ा आदमी होता है, और मुखिया कोई सरकार से कम नहीं होता है, मुखिया होना तुमको क्या लगता है? हम मुखिया हमको ढेरी काम है, तुम्हारा हम फैसला नहीं कर सकते, तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते। परवेज आलम जी के पास दौड़ दौड़ करके मेरे पैर में है, ये देखिए मेरा पैर का क्या हाल हुआ, दिखाइए इधर, देखिए परवेज आलम जी के द्वार पर दौड़ दौड़ के मेरे पैर फट गए हैं, यहाँ देखिए लंगा पैर दौड़ दौड़ करके। चलिए
चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी, कहीं ना कहीं जो है आम लोग भी समझ रहे हैं इनका जो दर्द है। बहुत सारे चैनल पे इनके खिलाफ़ कुछ न्यूज़ चल रहा था, इसलिए हमने आप लोगों का जो सवाल था हम डायरेक्ट जो है इनसे पूछने का प्रयास किया, इनसे जानने का प्रयास किया। जो इस पे सबसे बड़ा आरोप लग रहा था कि इनके पिताजी स्वयं जिंदा है, कोई अन्य लोग नहीं बल्कि इसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि तक ने बना के दिया मेरे बाप का। मुखिया को जब गए मृत्यु प्रमाण पत्र बोले बना के दीजिए। जैसे मेरे पापा यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, आप जाके वहाँ से पूरा मतलब कितना उसका दयनीय हालत था आप उनका पूरा आप ज्योग्राफी निकाल सकते हैं। आप मीडिया है ना, आपको हक है, पावर है, जाइए अपना लाइसेंस दिखाइएगा। इमरान जी को आप जानते हैं? कौन इमरान? न्यूज़ चैनल वाले इमरान जी ही चला रहे हैं इस तरह के खबर को, लगातार चला रहे हैं। आपके ससुराल भी गए थे आज, कल जो है परवेज आलम जी के यहाँ भी गए थे, वही चला रहे हैं। हम उसी के चैनल पे देखा, हमने इसलिए आपसे सवाल किया। देखिए मुझे तो नहीं पता है इमरान जी कौन है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया भाई मेरा इंटरव्यू लिए हैं, मुझे पता नहीं है किनका नाम क्या है। चलिए चलिए, जो जो भी आप लोगों के दिल में सवाल था हमने इनसे जानने का प्रयास किया, और इसमें जो सच्चाई है ये अपना सफाई के रूप में स्पष्ट रूप से बोल रही है कि मेरे पिताजी आज से कितना दिन पहले गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं। मेरी बेटी जब पेट में थी तभी परवेज आलम जी के द्वार पर जो है मेरे बाप को बोला गया, रे भरुआ तुम तो बेटी का कमाई खाता है, तुम्हारी बेटी रंडी है। और परवेज आलम जी मुस्कुरा रहे थे, स्माइल उसका कैमरा खोल के देखा जाए, सीसीटीवी कैमरा है परवेज आलम जी के दरवाजा पे। हम जो भी मान के चलिए बात बोलते हैं, हम प्रूफ में यकीन करते हैं, वक्तव्य में नहीं लिखतव में यकीन करते हैं। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है, जो है हम जितना बात बोल रहे हैं हम सबको साबित कर सकते हैं, सबका एविडेंस प्रूफ दे सकते हैं। और जो बोल रहा है उसको कहिए कोई प्रूफ है तो दे। और मेरा ससुराल वाला क्या बोलेगा, जाके अनिल अनन मुखिया 10 बार पंचायती किए हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि हमको किस तरह जलील किया गया है, कितना बार हम रहने गए, किस तरह मारा पीटा गया, मेरे साथ कितना गलत हुआ है। समाज का एक लोग बोलेगा मेरी सास और मेरा हस्बैंड पड़ोसी को मार रहा था आज से 20-25 दिन पहले, और जो जो छोरा नहीं गया सबके ऊपर केस कर दिया आनंद बाबा, वो लोग इनोसेंट है और वो लोग को फंसा दिया। क्यों? क्योंकि हम उन लोग के यहाँ, ये लोग जब मरता था ना हमको उसके यहां रहते थे, तो वो लोग हमको खाना पीना खिला देता था और बैठाता था अपने घर में ले जाके, तो बोला कि मेरी रंडी पुतों का बहुत साथ दिया है तो इसीलिए सबको फंसाओ केस में, और सबको फंसा दिया बेचारा के ऊपर, सुनते वारंटर निकलवा दिया पैसा के बल पे। थाना में तो हम भी इतना दौड़े, थाना में हमसे भी पैसा का डिमांड किया गया था कि पैसा है, तो वो लोग पैसा उजला तो वो लोग वारंट निकाल दिया, है दयानंद बाबा को फंसा दिया, क्योंकि हम उसके यहाँ जाते आते थे। मेरे ससुराल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, खोल के देखिए, हम उसके यहाँ जाते आते थे, इस कारण उसके ऊपर केस में उसको इन्वॉल्व कर दिया गया। चलिए, नगमा परवीन ने अपने सफाई में जो शब्द बोली है ये इनका खुद का निजी रहा है, टीवी टाइम्स न्यूज इसके बातों को पुष्टि नहीं करता है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनके ऊपर जो आरोप लगा था हमने कहीं सच्चाई जानने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं इनके जो सफाई में बात बोली उस पर जरा गौर करिएगा। और भी चैनलों पर इनके विरुद्ध कुछ खबर चल रहा है, उनके जवाब में इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना सवाल का जवाब रखी है। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।